हेलो दोस्तों, अभी हम बात आज बात करने वाले हैं डीजल इंजन के, डीजल इंजन कंट्रोलर फायर पंप में जो नॉर्मली यूज होता है उसके लिए, उसका कंट्रोलर। वैसे आजकल इवेल स्टेट आ गया है, लेकिन हम नॉन इवेल की बात कर रहे हैं। तो नॉन इवेल और इवेल में डिफरेंट इतना है कि उसमें सब कुछ डिजिटली कंट्रोल होता है, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही होता है जैसे कि आम पंपों में होता है, आम इंजन में होता है, जैसे कि आरपीएम मीटर या उसमें सेल्फ स्टार्टर, ऐसे बहुत कुछ होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मली जो बेसिक नॉलेज जो मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो फिर देखते हैं, मैंने एक यहाँ पर अभी सैम्पल बनाया हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पर एक एमसीबी से पावर, यहाँ पर पूरा सैम्पल बनाया हुआ है, लेकिन हम वायरिंग अभी लाइव करेंगे। जैसे कि अभी एक बैटरी चार्जर बनाया हुआ है, बैटरी चार्जर से हमारा एक रिले लगाया हुआ है, रिले किससे हो करके फिर हमारा पावर आगे आएगा। क्योंकि रीज़न ये है कि जब हम सेल्फ स्टार्टर को ऑन करते हैं तो उस वक्त काफ़ी हैवी एम्पियर लेता है, जिसके वजह से इसमें ये बैटरी चार्जर ख़राब होने का चांस होता है। तो इसके लिए हम एक रिले से दे दिए हैं कि जब सेल्फ स्टार्टर ऑन होगा तो उस वक्त चार्जर से पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा बैटरी का। तो वायरिंग करते हैं इसका। तो यहाँ पर बैटरी में हमने 220 इन दिया हुआ है, ये एल, ये न्यूट्रल हो गया, ये हो गया एल, यहाँ पर 220 वोल्ट एसी हमने दिया हुआ है। अभी हम इसका एक न्यूट्रल इसका, लेकिन जब हम इसका आउटपुट होगा तो वो डीसी करंट आउटपुट होगा, यानी कि यहाँ से ये माइनस हो गया। तो पहले हम न्यूट्रल एक लेकर के इसका नेगेटिव वायर लेके आते हैं इस साइड में, क्योंकि नीचे हमने एक टर्मिनल दिया हुआ है। हम इससे यहाँ पे माइनस कर दिया, और यहाँ पर ये जो रिले है 12 वोल्ट 5 एम्पियर का, 12 वोल्ट 5 एम्पियर का ऐसा वाला, ये जो रिले है इस टाइप का यूज होता है। तो अभी हम न्यूट्रल, इसका जो न्यूट्रल है हम इधर से ही देते हैं, इसका न्यूट्रल यहाँ से दे देते हैं, A1 में, A1 में न्यूट्रल दे दिया। और इसका फिर इसका पॉजिटिव जो लेके आते हैं, पॉजिटिव हम डायरेक्ट ना ला करके ये रिले के अंदर कॉमन में दे देंगे, और एनसी का जो पावर होगा इसी को हम घुमा के लाके हम नीचे एक टर्मिनल बनाया हुआ है यहाँ पर रख लेते हैं, जो कि बाद में ये बैटरी में जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो अभी यहाँ पर बचा है A2, तो यहाँ से हमारा ये आ गया टर्मिनल के पास आ गया। फिर हम एक बैटरी का वायरिंग ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी नेगेटिव, नेगेटिव इसमें, और यहीं से हम एक पॉजिटिव ले लेते हैं। यहाँ से हम पॉजिटिव लेके आ जाते हैं। दरअसल ये पॉजिटिव डायरेक्ट बैटरी में, इसमें बैटरी में नहीं आएगा, यहाँ से इस पे आएगा। इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। और ये नेगेटिव भी, ये भी नेगेटिव जो है डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आए, इसका जो नेगेटिव है ये भी डायरेक्ट, एक हमने इंजन बनाया हुआ है, ये इंजन का बॉडी में ये जो चार्जर से होकर के आ रहा है, चार्जर से डायरेक्ट इंजन का बॉडी पे गया, इंजन का बॉडी पे, और इंजन के बॉडी पे गया। तो इंजन के बॉडी पे हमने डायरेक्ट क्यों दिया, क्योंकि बैटरी से और इंजन के बॉडी में जो केबल लगता है वो 70 mm का, यानी कि यहाँ से एक और वायर आएगा इसके ऊपर बैटरी के टर्मिनल पे, जो होगा 70 mm। और ये जो आता है, जो चार्जर से, जो यहाँ चार्जर से डायरेक्ट आ रहा है नेगेटिव, वो आता है 2.5 mm का केबल आता है। तो वहाँ पर हमने सप्लाई अभी दे दिया। अभी जो हमने यहाँ पर जो ये जो बनाया है, दरअसल ये सेल्फ स्टार्टर है। सेल्फ स्टार्टर का ऊपर एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर ऐसे ही पॉइंट होता है, जो 3 पॉइंट होता है। एक होता है पॉजिटिव हम देते हैं, और एक जो इसका आउटपुट होता है वो डायरेक्ट सेल्फ स्टार्टर के अंदर गया रहता है, और ये जो छोटा पॉइंट है ये मेन है, जो
पूरा सेल्फ स्टार्टर को कंट्रोल करता है। तो वहां पर हम पहुंचते हैं, पहुंचने से पहले यहां पर एक हम फिर से एक डायरेक्ट बैटरी में दे देते हैं। ये भी 70 mm क्या केबल होता है, और ये जो चार्जर से ये चार्जर से आ रहा है घूम करके यहां से रिले से, ये होता है 2.5 का, 2.5 mm। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग स्किप नहीं करना, अगर बीच में आप स्किप करते हैं या छोड़ते हैं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो रिक्वेस्ट है आप पूरा देखें, और दूसरी बात आप देखें ठीक है, और साथ साथ इसमें सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि जब मैं भी देखता था तो देख के घिसक जाता था, लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ इसमें मेहनत लगता है, टाइम लगता है। तो आप लोगों का सब्सक्राइब या करते हैं या कमेंट करते हैं तो उससे हमें हौसला मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा कनेक्शन हो गया पावर सप्लाई का, अभी हम कंट्रोल में आते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल करने के लिए सिलेक्टर स्विच हम लगाते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के लिए, और दूसरा होता है कि हम हैंड में करके यानी कि मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं इंजन को। तो सबसे पहले हम मैनुअली कनेक्शन देखते हैं। तो अभी ये जो टर्मिनल आया हुआ है इसी से सबसे पहले हम इसमें पॉजिटिव लेते हैं। इसके नीचे सेलेक्टर स्विच में चार पॉइंट होता है, दो आउटपुट होता है दो इनपुट होता है। तो यहाँ से हम एक लूप करते हैं ऐसे, इसको भी नीचे दोनों को आपस में लूप कर देते हैं। और चूंकि हम हैंड में बोल रहे हैं तो हैंड में सबसे पहले हैंड से लेके चलते हैं। तो हैंड से इसका आउटपुट यहाँ से लेके ये जो टाइमर दिया हुआ है 12 वोल्ट DC टाइमर यहाँ से लेके आते हैं, और इसका A2 में कनेक्शन करते हैं, A2 में। साथ साथ इसका एक लूप इधर भी करेंगे, जो ऊपर रिले हमने लगाया था कि जो बैटरी और चार्जर को आपस में डिस्कनेक्ट करता है। तो इसी A2 से हम इसका A2 में, ये रिले जो 12 वोल्ट 5 एम्पियर का है इसके A2 से भी कनेक्शन किया, यानी कि जब हम हैंड में करेंगे तो इसका एक्शन क्या होगा, एक टाइमर ऑन होगा, दूसरा ये रिले ऑन होगा, रिले ऑन होने के साथ साथ इसका बैटरी से और चार्जर से डिस्कनेक्ट कर देगा उस टाइम, ये होगा। यहाँ से अभी हमने टाइमर में दे दिया, टाइमर में पॉजिटिव आ गया, लेकिन इसका नेगेटिव हमें अभी भी नहीं मिला है। तो नेगेटिव हम यहीं से यहाँ से लूप करके लेके आते हैं, इसमें ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव भी आ गया। अभी हमें टाइमर से एक और रिले को हमें ऑन करना है, जिसको मैंने अभी यहाँ पे नहीं बनाया है, मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए। यहाँ पर ये रिले होता है, इस टाइप का होता है, उसमें 5 पिन होता है ऐसे, ये होता है कॉमन, ये होता है NC, ये होता है NO, ये होता है A1, A2। इसके लिए मैं आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ, ये ए टाइप का रिले होता है, ए टाइप का, इसमें 5 पिन होता है, और ये हैवी एम्पियर का होता है, ये होता है 12 वोल्ट 40 एम्पियर, ये होता है 40 एम्पियर। तो जो हमारा टाइमर से निकल के जाता है, टाइमर में जो हम लूप करते हैं, ये जो A2 में आता है हम इसी से एक लूप यहाँ पे करते हैं कॉमन में, और कॉमन के बाद हमारा जो होता है NC, इसको हम लेके आते हैं A2 में, A2 में लेके आते हैं, और A1 में सेम हमें न्यूट्रल, जैसे कि नेगेटिव मैंने बोला है हर जगह, नेगेटिव हर जगह जाएगा A1 में। अब हमारा रहा कॉमन और NO, कॉमन और NO। तो इसके लिए हम एक कंट्रोल से पावर नहीं लेंगे, एक कंट्रोलर से इससे, क्योंकि जो इसके सेल्फ स्टार्टर का जो कंडक्टर होता है वो भी थोड़ा पावर हैवी लेता है। तो हम इसको ये जो पॉजिटिव दिया है हम इसी से लूप करके लेके जाते हैं, हम नीचे भी दे सकते हैं कॉमन में भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और एक कॉमन जो निकाल के ये जो सेल्फ स्टार्टर के ऊपर एक छोटा पॉइंट होता है 3 में, वहाँ पे हम देते हैं। अभी यहाँ से इन हुआ हमारा, यहाँ से इन हुआ, और ये आउट होके सेल्फ स्टार्टर को चला गया, सेल्फ स्टार्टर
अभी क्या होगा कि जब हम टाइमर को 6 सेकंड 5 सेकंड जितना टाइम हम इसमें सेट करते हैं उतना टाइम तक इसको सेल्फ स्टार्टर को पावर देगा, उसके बाद कट ऑफ हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, एनसीसी एन हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा मैनुअली सिस्टम हो गया। इसके लिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक पीएनजी फाइल में, वीडियो के लास्ट में हम वो पीएनजी फाइल डाल देंगे जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये मैं केवल इधर समझाने के लिए मैं ऐसे लिया हुआ है ये बोर्ड पर, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी हमारा जो है सेलेक्टर स्विच में एक पॉइंट बटा है बचा हुआ है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक को हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ऑटोमेटिक में जो पॉजिटिव आया है हमें सीधा एक यहाँ पर प्रेशर स्विच का एक मैंने सिंबल बनाया हुआ है, प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच जो भी इससे फायर पंप से काम करते हैं फायर पंप में, उन लोगों को प्रेशर स्विच मालूम होगा क्या क्या होता है, क्या कैसे होता है। मैं इधर साइड में भी दिखा दूंगा। यहाँ से इसका आउटपुट लेके एक एक इन कर दिया और इसी का आउट एक करके हमने लाके इसी हैंड वाले में जोड़ दिया। बस इतना ही काम है। बस ऑटो करने के टाइम में ऑटो से आउटपुट निकाला, सेलेक्ट इसमें प्रेशर स्विच में डाला, प्रेशर स्विच से आउट निकाल करके जो हैंड वाला है मैनुअल वाला जो वायर आउटपुट निकला है उसमें हमने लूप कर दिया। इतना ही, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी अभी सवाल है कि फायर पंप कंट्रोलर के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा रन इंडिकेटर होता है, ट्रिप इंडिकेटर होता है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। उसके लिए हम एक अलग से रिले लगाते हैं। यहाँ पर अलग से 12 वोल्ट 5 एम्पीयर का एक रिले लगाते हैं यहाँ पर। A1, A2 कॉमन, NC, NO, ये हो गया। और एक यहाँ पर हम ब्लैक से हम दो यहाँ पर एक ब्लू से बनाया, इसको हम लिख देते हैं रन। यहाँ पर लिखते हैं ट्रिप, ट्रिप इंडिकेटर। तो इसके लिए हम इसमें लूप को इसके लिए लूप देते हैं नेगेटिव, जैसे कि मैंने बोला है कि हर जगह हमें नेगेटिव देना है। नेगेटिव इसका जो आउटपुट आ रहा है इसमें से लेकर के हम नेगेटिव यहाँ से नेगेटिव दे दिया। अब इसमें पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ से आएगा? रन 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 के लिए हम नेगेटिव ये जो अलग से हमने लगाया हुआ है रिले इसका एनओ से देंगे इसमें, और इसका जो ट्रिप है एनसी से देंगे यहाँ पे। अभी अभी सवाल यह है कि ए ऑन किससे होगा, ए सेलेक्ट ए जो अपना रिले है ये ऑन कैसे होगा, कहाँ से ऑन होगा, इसको पावर सप्लाई कहाँ से मिलेगा? तो इंजन के ऊपर एक ऑयल प्रेशर सेंसर लगा रहता है यहाँ पर, ऑयल प्रेशर सेंसर, और वो नेगेटिव आउट करता है। यहाँ से हम नेगेटिव लेके A1 में डाल दिया, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव हम हमेशा ए जो हैंड से आउट हो रहा है या ऑटोमेटिक से जो आउट हो रहा है इसका कॉमन से हम हमेशा लेंगे ए यहाँ से। इसका हमने कॉमन से ले लिया, इसका इसे लूप कर लिया, जो सेलेक्टर स्विच से जो आउट हो रहा है उससे हमने इसका A2 में ले लिया। अभी क्या होगा कि जब इंजन रन होगा तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा इसको, और इसका NO जो है NC हो जाएगा और ट्रिप आ जाएगा, सॉरी रन रन इंडिकेटर जलेगा। लेकिन अगर इसका आउट होगा यहाँ से सेलेक्टर स्विच से, लेकिन अगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ से नेगेटिव नहीं मिलेगा और इसको NC कंटिन्यू मिलेगा जो कि ट्रिप का सिग्नल देगा। ये हो गया, अभी नॉर्मल सा हो गया। ये हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में बताया इसके लिए कि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो भूलना नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट आप लोग जरूर करना। कमेंट से हमको इससे क्या है कि हमें
मालूम होता है कि हाँ हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं या कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसमें आप लोगों को अच्छा से बता सकते हैं। हाँ, तो अभी इसमें एक और मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि एक और बात बताना चाहता हूँ, ये फायर पंप को हम इंटरफेस करते हैं इसे फायर अलार्म के साथ में। जब इंजन चालू होगा तो उसका सिग्नल फायर अलार्म को भी जाएगा, तो उस वक्त जब रन होगा तो इसमें जो हमने कुछ भी नहीं करना है, ये जो कॉमन है NO NC है NO है NO है, ये जो रिले हमने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, इसी रिले से हमको जैसा कि रिक्वायरमेंट होगा फायर अलार्म का, NO चाहिए उसके मॉड्यूल को या NC चाहिए, उस हिसाब से हम इसमें से कनेक्शन ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लास्ट में अभी हम इधर इसका PNG फाइल डाल रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। इसका निगेटिव